हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके चुका हूँ गाइस, ओप्पो A17 के फ़ोन के बारे में। एंड आज का मेरा टॉपिक होने लगा है वो है हाउ टू यूज़ आई कॉम्फर्ट सेटिंग के बारे में अपन बात करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस आज की वीडियो में कि आप अपने फ़ोन में किस प्रकार से आई कॉम्फर्ट सेटिंग को ऑन करके अपने डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको जो जैसे आप अपने फ़ोन को अगर नाइट में यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो अपने फ़ोन में आई कॉम्फर्ट सेटिंग को यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके जो आई में जो है प्रॉब्लम नहीं पड़ती। यानी कि कोई भी ये नहीं होता है, आप समझ जाएंगे। चलिए बात करते हैं। बात करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं इसके टॉपिक के बारे में। सिंपली आपको देखिए सेटिंग को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिल चुका है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल चुका है आई कम्फर्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ पे जो है गाइस सेटिंग को फर्स्ट नंबर पे ऑन कर देना है। इसको आप जो है गाइस शेड्यूल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे आपको देखिए स्क्रीन कलर टेम्परेचर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अपने फ़ोन के स्क्रीन कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे आपको देखिए कलर का ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले इफेक्ट का, यानी कि डिस्प्ले इफेक्ट में आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले इफेक्ट को कलर में या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि मेरे पूरे फंक्शन जो है पूरे कलर में थे, अभी देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में हो चुके हैं। एंड यहाँ पे आपको देखिए कलर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में आई कॉम्फर्ट सेटिंग को ऑन करके देखिए कुछ इस प्रकार से टेम्परेचर में यूज़ कर सकते हैं। और गाइस आपको जो है इसको नाइट में ज़रूर से यूज़ करना चाहिए और मैं इसको यूज़ भी करता हूँ। देखिए आप मेरे फ़ोन के डिस्प्ले में देख ही पा रहे होंगे। एंड सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।